राज्यसभा में और तीसरी किश्त में आखिरी में सरकार गिराने में नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि यह कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस का विधायक बिकाऊ नहीं है और यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आईटी ईडी सीबीआई कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों के यहां छापे डाल रही है, वहीं खुलेआम करोड़ों रुपए जो बांटने का वादा हो रहा है उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं कि बिना तथ्यों के मैंने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया। मैं शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी जो बैठकर दोनों में पहले विवाद था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब दोनों में यह तय हुआ है एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री उसी तरह से है जैसे मुंगेरी लाल जी के सपने हैं और दोनों मिलकर कांग्रेस के विधायकों को फोन कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के सामने इन सबको खड़ा किया जाएगा। मैं उनसे इतना ही कहूंगा इन हरकतों से बाज आए, 5 साल तक के लिए विपक्ष में बैठे और फिर हम मैदान में आएंगे तब देखेंगे। कैसे जानकारी आपको मिली कि इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं? प्रलोभन जब दिए जाते हैं तो कांग्रेस के विधायकों को दिए जाते हैं ना, और जब कांग्रेस के विधायकों को दिए जाते हैं तो हमारे पास खबरें नहीं आएंगी। कितने विधायकों ने बताया आपको कि उनको इस तरह के प्रलोभन? लगभग 8 से 10 विधायकों के पास इनके ऑफर गए हैं और जितने विधायकों के पास ऑफर जाते हैं वे हमें सूचित भी करते हैं। ये कर्नाटक नहीं है इतना मैं बता देता हूं। निश्चित तौर पर पहली बात तो यह कि नागरिकता का जो कानून में संशोधन लाए हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। फिर यह कानून केवल हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए लाया गया और स्वयं गृह मंत्री जी CAA NPR और NRC को जोड़ के देखते हैं और यही बात उन्होंने कही है। लोगों में अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। NPR का जो क्वेश्चनेयर है 2010 में 10 बिंदु का था जिसे बढ़ाकर 14 बिंदु किए गए हैं और वो NPR पूरा भी नहीं हुआ था क्योंकि आधार कार्ड बनने लगे थे। अब NPR और NRC को साथ जोड़ा जा रहा है और CAA उसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करूंगा उन सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से जिन्होंने कि 2020 के जो 14 प्रश्न रखे हैं NPR के लिए उसे वे अस्वीकार कर, अगर NPR करना ही है, पहली बात तो उसकी आवश्यकता नहीं है, अगर करना ही है तो जो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2010 का जो फॉर्मेट था 10 प्रश्नों का वहीं तक सीमित किया जाना चाहिए। जब सेंसस 2021 में होना ही है तो फिर NPR की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार के हिंसक घटनाएं
दिल्ली में हुई हैं, चाहे हिंदुओं द्वारा चाहे मुसलमानों द्वारा, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी विचारधारा के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए।